ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के गीता की क्लास में। तो जो भी वरिष्ठ भक्त हैं सभी लोग आशीर्वाद दीजिए और जो गलतियां हों उसको क्षमा कीजिए। भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 45। तो शब्दार्थ बोलिएगा, यदि यदि माम मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोध ना करने के कारण अस्त्रम बिना हथियार के शस्त्र पाणयः शस्त्रधारी धृतराष्ट्रः धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्यु मारे तत् वह मैं मेरे लिए क्षेम तरम श्रेष्कर भवेत होगा। इस श्लोक को दोहराइएगा। अहो यदि माम अप्रतिकारम अस्तम शस्त्रम पाणयः धातरष्टारणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत। अनुवाद बोलिए मेरे पीछे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए शेष कर होगा। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शीला प्रभुपाद की। क्षत्रियों के तात्पर्य क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो ये जो हम चर्चा सुन रहे हैं भगवद गीता अध्याय एक, महाभारत में शिल व्यास जी ने इस अध्याय का नाम दिया है विषाद योग। दुख के द्वारा, योग मतलब जुड़ना, दुख के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो अर्जुन दुखी हैं। पहले तो शुरू में बहुत उत्साही थे और भगवान को आदेश देते हैं, सेनरो भ्यो मध्य रथम स्थात पितम में अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो। शुरुआत में बड़ा उत्साह था अर्जुन का युद्ध के लिए। सेनरो भ्यो मध्य रथम स्थाप में अच्युत, हे कृष्ण, वैसे तो आप अच्युत अपनी स्थिति से गिरते नहीं हो कभी, लेकिन इस समय हमारे रथ हाँक रहे हो, तो अभी अपना स्थिति को छोड़िए और रथ हाँकिए और
यावत एता निरीक्षे हम, मैं निरीक्षण करूंगा कौन कौन लड़ने के लिए आया है। युद्ध कामन अवस्थितान, जो जो युद्ध की कामना से इस युद्ध भूमि में आया है उसको मैं एक बार देखना चाहता हूँ। पता नहीं युद्ध में क्रोध में फिर समझ में नहीं आता कौन मर रहा कौन नहीं मर रहा, इसलिए पहले एक बार देख लूँ कौन कौन आए हैं। कै मया सह युद्धभ्यम व्यवस्थित रणम उद्यमे, कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए उद्दित हैं। तो भगवान रथ को ले गए दोनों सेनाओं के बीच में और इशारा करके भगवान बताए हैं अर्जुन को कि ये देखिए भीष्म पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं। तो वैसे भगवान को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, अर्जुन देख रहा था, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन अज्ञानता में जाए, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ताकि गीता अर्जुन के माध्यम से सबको सुना सबको मिल सके। इसलिए भगवान ने अर्जुन को अज्ञानता में डाला। अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन के माध्यम से गीता संसार में सबको इस गीता का ज्ञान मिले। तो इसलिए अर्जुन ने अपनी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग माया के द्वारा प्रभावित करके अर्जुन को भुलाया, क्योंकि आप गीता में जब पढ़ेंगे तो कई जगह अर्जुन भगवान के अलग अलग नाम से संबोधन करते हैं, माधव अच्युत। तो ये संबोधन से पता चलता है कि अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन भगवान ने अभी उनको भुलाया है ताकि वो गीता सुन सकें। तो अर्जुन को दिखा रहे हैं भगवान कि देखिए द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य हैं, बड़े बड़े जो आपके पूजनीय हैं सब, ताकि अर्जुन को एक युद्ध से एक दया आए और फिर वो प्रश्न पूछे। तो अर्जुन देखे तो उनको यादें आ गई पुरानी कि भीष्म पितामह बचपन में मुझे गोद में खिलाए हैं, द्रोणाचार्य ने मुझे धनुष विद्या सिखाई, इन सबको मारूंगा तो ये ठीक नहीं। तो यदि क्षत्रिय धर्म के अनुसार देखा जाए तो क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि चाहे पिता ही क्यों ना लड़ने आए, तो क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध भूमि में उससे युद्ध करे, यहाँ तक कि गुरु ही क्यों ना आ जाए। परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु जी हैं, धनुष विद्या सिखाए हैं परशुराम जी भीष्म पितामह को, किंतु महाभारत में वर्णन है कि जब युद्ध के लिए ललकारे परशुराम जी तो भीष्म पितामह युद्ध किए उनसे। तो इसी प्रकार अर्जुन भी का वास्तविक कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म के अनुसार कि युद्ध करे, किंतु प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भक्त का ये लक्षण है कि वो हत्या नहीं करना चाहता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। इस दृष्टि से अर्जुन देख रहा है कि मैं हत्या नहीं करूंगा, इतने लोग क्यों मारे जाएं। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं लगभग 64 करोड़ लोग महाभारत में मारे गए, इसलिए अर्जुन इसे इतनी बड़ी मात्रा में क्यों, युद्ध में तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग मरेंगे, तो इसलिए अर्जुन को दया आ रही और वो सोच रहा भली मुझे मार दें वो। मान लीजिए भगवान कहें कि यदि तुम नहीं मारोगे तो रणभूमि में आ गए हो, तुम यदि हथियार भी डाल दोगे तो भी दुर्योधन बड़े दुष्ट लोग हैं, वो क्षत्रिय नियम भूल जाएंगे, वो मार देंगे तुम्हें। शास्त्र कहता है कि यदि कोई क्षत्रिय अस्त्र फेंक दिया है और चोटी खोल दिया है, अपने बाल खोल दिया है और हाथ जोड़ लिया है, प्रणाम कर दिया है, क्षमा मांग रहा है, पीठ दिखा रहा है, पीठ दिखा के भाग रहा, तो ऐसे व्यक्ति पर अस्त्र नहीं चलाना चाहिए। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि भाई दुर्योधन बिल्कुल लड़ने के लिए उत्सुक हैं,
तो आप भली दया दिखा के अस्त्र नहीं उठाओगे, हाथ जोड़ लोगे, क्षमा मांग लोगे, लेकिन दुर्योधन मानेंगे नहीं, वो हथियार चलाएगा वो। तो इसलिए विनम्रता आपकी किसी काम की नहीं रहेगी, मारे जाओगे। तो एक दृष्टि से तो ठीक है कि भक्त की दृष्टि से अर्जुन की एक गुण है कि भक्त की दृष्टि हत्या नहीं करना चाहते, किंतु क्षत्रिय की दृष्टि से हो, क्योंकि भगवान की आंतरिक इच्छा थी युद्ध हो, ताकि युधिष्ठिर महाराज राजा बने। तो इसलिए भगवान की जो इच्छा है वो करना जरूरी है। लेकिन अर्जुन अभी अपना मत ज़्यादा दे रहे हैं, अपना विचार कि युद्ध करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे आजकल के लोग बोलते हैं सब बाबा हो जाएंगे संसार कैसे चलेगा, तो ऐसे ही अर्जुन का विचार है कि यदि इतने लोग मारे जाएंगे स्त्रियां कहाँ जाएंगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर फैल जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान की आज्ञा से हो रहा है तो कुछ भी अमंगल नहीं होगा। उसी प्रकार यदि भक्ति करने के लिए कोई जीवन सौंपता है तो भगवान का आदेश है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। उसी प्रकार भली बड़ी मात्रा में हत्या होगी युद्ध में, लेकिन कृष्ण इसके बीच में है इसलिए वो कभी कोई दुख नहीं होगा। हम महाभारत में पढ़ते हैं, ये महाभारत युद्ध पूरा हो गया, 64 करोड़ लोग मारे गए, तो कोई भी स्त्री व्यभिचारिणी नहीं हुई। राम राज की तुलना दी गई युधिष्ठिर महाराज के राज की कि राम राज जैसा उन्होंने राज किया, कोई भी व्यभिचार कोई भी गलत काम नहीं होते थे, जबकि 64 करोड़ लोग मारे गए। क्यों नहीं होता था? क्योंकि कृष्ण के निर्देशन में युद्ध हुआ। तो इसलिए जब कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं हम, तो भले ही हमें लगे कि ये बहुत बुरा है सामाजिक दृष्टि से, लेकिन यदि कृष्ण की आज्ञा है तो वो हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जगह गीता में भगवान बोले हैं अर्जुन को, बोले सहजम कर्म कौन्ते सा दोषम अपि ना त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमिना अग्नि इवाव्रतः। कि सहजम कर्म कौन्ते, कि जो हमारा सहज स्वभाव है उस कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। तो अर्जुन का जो सहज स्वभाव है वो क्षत्रिय का है, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। युद्ध करना क्षत्रिय का स्वभाव है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। सहजम कर्म कौन्ते सा दोषम अपि, उसमें दोष भी हो तो भी न त्यागे। अब क्या दोष है? युद्ध में लोग मरेंगे तो ये बड़ा दोष है ना, क्षत्रिय धर्म का एक दोष है कि इतने लोग मारे जाएंगे। क्षत्रिय शिकार खेलने जाएगा, बहुत सारे पशु मारना पड़ता है उसको, तो एक पाप है, एक दोष है, लेकिन फिर भी नहीं त्यागना चाहिए भगवान के। सा दोषम अपि ना त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण, कि बहुत सारे दोष भी हों लेकिन धूमिना अग्नि इवाव्रता, जैसे अग्नि का एक दोष है धुआं, अग्नि का एक दोष है कि धुआं, लेकिन फिर भी अग्नि से बहुत सारे लाभ हैं। तो आप ये नहीं कि धुआं के चक्कर में अग्नि को हटाओ, बहुत सारा लाभ है अग्नि से, यहाँ तक कि कोयला से भी, अग्नि जल गई कोयला से भी लाभ लेते हैं। तो इसलिए जैसे अग्नि धुएं से, अग्नि का दोष धुआं है, फिर भी अग्नि से लोग लाभ लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं, उसी प्रकार क्षत्रिय धर्म में कुछ दोष हैं, लेकिन जिसका जो स्वभाव है, क्षत्रिय का जो स्वभाव है, जिस मनुष्य का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उसको त्यागना नहीं चाहिए, चाहे उसमें दोष ही क्यों ना हो। तो अर्जुन का स्वभाव युद्ध करना, क्षत्रिय है वो, इसलिए भगवान माला नहीं जपवाए कि नहीं, ब्राह्मण है तो भाई माला फेरो, क्षत्रिय है तो युद्ध करो।
तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध चा, कि मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। भगवान युद्ध कराना चाह रहे, अर्जुन की से युद्ध कराना चाह रहे। अब हमें कैसे पता चले कि अब हमसे अभी भगवान क्या कराना चाह रहे, तो वो गुरु बताएंगे। गुरु हमारे स्वभाव को देख के हमें अलग अलग सेवाओं में लगाते हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते थे देवी वर्णाश्रम। देवी वर्णाश्रम का अर्थ है कि हमें स्वभाव के अनुसार सेवा दी जाएगी, लेकिन कृष्ण की। जैसे शूद्र का काम है झाड़ू लगाना, निम्न सेवा करना, तो वही जब झाड़ू हम भगवान के मंदिर में लगाएंगे तो दिव्य हो गए, देवी वर्णाश्रम, उसको फिर निम्न नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो भी स्वभाव क्षत्रिय का काम है तो गार्ड की सेवा करो मंदिर में, चौकीदार, मंदिर की रक्षा, तो ये देवी वर्णाश्रम। जब कृष्ण को केंद्र में करके जब हम अलग अलग स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं तो दिव्य वर्णाश्रम हो गया वो। तो ये चाहते थे प्रभुपाद कि ऐसा स्थापना हो हमारे मंदिर में। सबसे पहले ब्राह्मण बने, उसके बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अर्जुन उस देवी वर्णाश्रम में, क्योंकि अर्जुन केवल क्षत्रिय का भूमिका नहीं निभा रहा, कृष्ण की आज्ञा भी है, तो इसलिए वो कृष्ण सेवा हो गई। तो अर्जुन का स्वभाव है, तो स्वभाव के बारे में मैं सुना हूँ परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में कि देखिए स्वभाव कैसे प्रकट होता है। एक बार अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, महाभारत में लिखा है कि यदि कोई मुझे कह देगा कि अर्जुन तुम गांडीव धारण करने लायक नहीं हो, यदि ऐसा कोई बोल दिया तो मैं उसको तुरंत तलवार से मार दूंगा जान से। ये प्रतिज्ञा ली थी, क्षत्रिय लोग हैं प्रतिज्ञा ज्यादा लेते हैं, संकल्प। तो युद्ध हो रहा था, तो एक दिन की घटना क्या हुई कि युधिष्ठिर महाराज और कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो उस समय कर्ण ने बहुत चोट पहुंचाई युधिष्ठिर महाराज को, बहुत घायल हो गए युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज अपने शिविर में आ गए। जब अर्जुन को यह पता चला कि युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हैं, तो सोचे कि एक बार मैं देख आऊँ। तो युद्ध भूमि से, बीच में युद्ध भूमि से लौट आए और युधिष्ठिर महाराज को देखने आ गए कि भैया को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, हालचाल पूछने। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे कि अर्जुन कर्ण को मार के आ रहा है, युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा सोचा। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि जब इसको पता चला होगा कि मेरे युधिष्ठिर महाराज को बहुत घायल किया है, तो निश्चित ही क्रोध में तुरंत कर्ण को मार दिया होगा। तो जैसे ही अर्जुन आए, कृष्ण भी साथ में आए, तो युधिष्ठिर महाराज पूछे, अर्जुन ठीक किया तुमने कर्ण को मार दिया, बहुत घायल किया उसने। तो अर्जुन ने बड़े नीचे आंखें करके बोला कि अभी तो नहीं मारा, लेकिन कल जरूर मार दूंगा। ये जब शब्द सुने युधिष्ठिर महाराज तो बड़ा गुस्सा आया उन्हें, तुम किसी काम के नहीं हो, जो गांडीव धनुष भीम को दे दो, तुम्हारे बस का नहीं, तुम इसको धारण करने लायक नहीं हो। तब क्यों प्रतिज्ञा का स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव प्रकट हो गया और तुरंत तलवार निकाले कि युधिष्ठिर महाराज का गला काटेंगे, प्रतिज्ञा है हमारी, क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण पूछे, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, तलवार किस लिए निकाल रहे, यहाँ कौन शत्रु है। बोले मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि कोई भी यदि बोल दिया कि तुम गांडीव धारण करने लायक नहीं हो, मैं उसका गला काट लूंगा। तो अब बड़े भाई नहीं बोल दिया, क्या करूंगा, प्रतिज्ञा में तो गला काटूंगा इनका। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे समझाए कि रुक जाओ उपाय बताते हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और युधिष्ठिर महाराज बच भी जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि शास्त्र के अनुसार किसी सम्मानित व्यक्ति की निंदा की जाए तो मारने के समान है वो। तो
युधिष्ठिर महाराज की कुछ निंदा करो तुम। तब अर्जुन फिर बोले, जुआरी कहीं का, तेरे ही कारण हम द्रौपदी को हारे। तू तो क्षत्रिय है ही नहीं, रणभूमि से भाग आया, बीच से मार खा के भाग आया, ब्राह्मण है तू, क्षत्रिय नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे कठोर शब्द युधिष्ठिर महाराज को बोले, और बोल के भगवान कृष्ण ने कहा, बस युधिष्ठिर महाराज मर गए, अब शास्त्र के अनुसार तुमने अपमान कर दिया, सम्मानित व्यक्ति उनका अपमान कर दिया, हो गया, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब अर्जुन फिर तलवार निकालने लगे तो भगवान कृष्ण पूछे, अब क्या हुआ? अब बोले, मैं अपना गला काटूंगा। क्यों, तुम अपना गला क्यों काट रहे? तो अर्जुन कह रहे, मैंने इतने सम्मानित अपने बड़े भाई को कितने अपशब्द बोले, अब मेरा जीना बेकार है। तो भगवान ने कहा, रुको रुको रुको, उपाय बताते हैं। अपने मुख से अपनी तारीफ जो करता है तो अपनी मौत के बराबर है वो, तो तुम अपनी तारीफ करो। तो फिर अर्जुन बोले, हमने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, शिवजी से मुकाबला हुआ हमारा, और द्रौपदी को हम जीत के लाए। अपने जहाँ जगह उन्होंने जो जो किया था अर्जुन ने, अपनी सारी अपने मुख से तारीफ की। तो इस प्रकार फिर अर्जुन शांत हुए। तो यहाँ ये शिक्षा है कि स्वभाव, क्षत्रिय का स्वभाव है वो प्रकट हो गया था, शत्रु के प्रति ठीक है, भाई के प्रति प्रकट हो गया मारने के लिए, कि स्वभाव है क्षत्रिय का। उसी प्रकार कि अभी भले अर्जुन बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही रणभूमि छोड़ेंगे और दुर्योधन, जैसे ही अर्जुन भागेंगे दुर्योधन निंदा करेगा, अरे भगोड़े कहीं के पीठ दिखा के भाग रहे हो, तो फिर लौट के आ जाएंगे, युद्ध करेंगे। कुछ स्वभाव क्षत्रिय, क्षत्रिय किसी की ललकार नहीं सुन सकता, ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है। धृतराष्ट्र ने ललकारा जुआ खेलने के लिए, युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले, जबकि धर्मात्मा है, साक्षात धर्मराज हैं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय धर्म के लिए जुआ खेले, क्योंकि दूसरे दल ने ललकारा है। तो जिस युद्ध से दूसरे दल ललकारे वो सुनना, उसको स्वीकार करना पड़ता, यदि लड़ाई के लिए तो लड़ाई के लिए, नहीं तो दूसरा तो दूसरा, तो जुआ युद्ध स्वीकार किए वो। तो ये क्षत्रिय का स्वभाव है। बलराम जी देखिए, जब भागवत में आता है वर्णन, रुक्मी की जो कन्या थी उसकी शादी कृष्ण के प्रपोत से हो रही थी, तो रुक्मी ने ललकारा, आओ थोड़ा चौपर हो जाए। तो बलराम जी को ज़्यादा खेलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी खेले वो, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है कि जिस प्रकार जिस उपाय से ललकारे उसको स्वीकार करना। इसी प्रकार अर्जुन के लिए उद्यत हैं, दुर्योधन लड़ने के लिए बहुत तत्पर था। महाभारत में लिखा है कि शकुनी के पुत्र को दुर्योधन ने भेजा था पत्र लिख लिख के सबको। भगवान सोच रहे थे कि संधि हो जाए, युद्ध ना हो, युधिष्ठिर महाराज भी चाहते थे युद्ध ना हो, तो भगवान किए बाहर बाहर काफ़ी प्रयास किए, लेकिन दूसरा दल इतना लड़ने के लिए तैयार था कि दुर्योधन ने शकुनी के पुत्र के हाथों पत्र भिजवाए सबको, सबके लिए एक एक पत्र लिखा दुर्योधन ने, और उसमें निंदा की गई है। क्या निंदा? तो अर्जुन के लिए एक पत्र लिखा था दुर्योधन ने, तुम क्या लड़ने आओगे, तुम तो हिजड़ा बन गए एक साल, क्या युद्ध करोगे, ऐसे कई अपशब्द उसमें लिखे थे कि तुम तो भिड़ंगला बने एक साल तक, हमने अज्ञातवास घुमा दिया तुमको, क्या युद्ध करोगे, स्त्री के भेष में छुपे रहे तुम। और भीम के लिए पत्र लिखा था, ऐसे चुभने वाले शब्द ताकि युद्ध के लिए बिल्कुल तुरंत आगे आ जाए।
भीम को लिखा, अरे रसोइये कहीं के, तुम तो खाना पीना बनाओ, जाओ विराट नरेश के यहाँ भोजन बनाओ, वहीं रोटी सब्जी बनाओ खाओ, क्या युद्ध करोगे। पेटू कहीं के बहुत ज़्यादा खाता है, तो खाने के शौकीन हो तुम, खाओ पियो, रसोइया का काम करो, वहीं लड़ाई लड़ाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुम क्षत्रिय अत्री नहीं हो। इस प्रकार से भीम को पत्र लिखा था, युधिष्ठिर महाराज को भी लिखा था कि तुम्हारे अंदर क्षत्रिय के गुण हैं ही नहीं, तुम तो ब्राह्मण हो। युधिष्ठिर महाराज को ज़्यादातर ब्राह्मण बोलते थे क्योंकि वो शांत रहते थे ज़्यादातर। और भगवान श्री कृष्ण को भी एक पत्र लिखा, तो श्री कृष्ण के लिए जो पत्र लिखा था, तो उसमें लिखा था दुर्योधन ने, जब तुम संधि के लिए आए थे वो जादू टोना दिखाया था ना तुमने, वो इंद्रजाल विराट रूप, वो बिल्कुल बड़ा बड़ा रूप, हम तो देख नहीं पाए, थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन कुछ लोग बताए हैं हमको कि बड़ा लंबा चौड़ा रूप था, तो इंद्रजाल हम भी कर लेते हैं, ऐसा मत समझना, हम भी हवा में उड़ के दिखा देंगे। तो ये सब मत सोचना कि इंद्रजाल जो जादू दिखा दी उससे हम डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पत्र में लिखा। तो देखिए असुर, जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, भगवान विराट रूप भी दिखा दी, फिर भी दुर्योधन की अक्कल ठिकाने नहीं आए। जैसे धृतराष्ट्र के जब बोल रहे हैं संजय कि धृतराष्ट्रम, ये पहले अध्याय में संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जो पांडव के साइड के शंख बजे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय फट गए, हृदयानी बृदार्यत। और किससे बोल रहे, धृतराष्ट्र से ही बोल रहे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गए। तो किस लिए बोल रहे ऐसा शब्द, संजय सोच रहे कि ताकि धृतराष्ट्र फोन ऑन करके युद्ध रुकवा दे कि अब पुत्र मरने वाले, हृदय फट गए, अब क्या कर लड़ेंगे, वो शुरू में ही शंख बजने में ही काम हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र की आदत क्या थी, कथा सुन रहा था वो, और सुनाओ आगे क्या हुआ, सुन के क्या वह परिणाम से उसको मतलब नहीं था, कथा सुनना चाहता था। इसलिए धृतराष्ट्र गीतामृत प्रभु बोलते हैं कि धृतराष्ट्र का नाम क्यों आया गीता में, इतना खराब था, तो एक बड़ा गुण था, इसलिए बोल रहे कि श्लोक है धृतराष्ट्र का। क्या गुण था, सुनने की लालसा, भली गीता में जो बोले वो पालन नहीं किया लेकिन सुनना चाहता था, और क्या बोले कि 700 श्लोक सुना, सोच रहे आप, हम तो एक ही दो श्लोक में लगता है कब बंद हो चले अब लेकिन धृतराष्ट्र 700 श्लोक सुनो बैठे बैठे, वहीं सुनने की लालसा, आगे कृष्ण क्या बोले, नहीं तो बोल देता भाई अभी वीडियो बंद करो, जब गीता खत्म हो जाए तब बताना क्या हुआ, लेकिन नहीं, गीता सुनने की लालसा, इसलिए धृतराष्ट्र का नाम आता है शुरू में। तो पहला स्तर है कम से कम सुनने की लालसा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाभारत में लिखा है कि व्यास जी के पुत्र हैं धृतराष्ट्र, तो व्यास जी बोले, व्यास जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि आप अंधे हो लेकिन मैं वीडियो शक्ति दे दूंगा, आप घर बैठे युद्ध देख सकते हो, चाहिए। व्यास जी इसलिए बोल रहे थे कि जब मरेंगे इसके पुत्र तो बीच में युद्ध रुकवा सकता है, सहन नहीं कर पाए। धृतराष्ट्र जानता था कि धर्म भूमि है, वहाँ निश्चित पांडव की विजय होगी, धृतराष्ट्र को ज़्यादा प्रतिशत यही विश्वास था, इसलिए बोला वीडियो कैमरा हमें मत दो क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे, वो चलता ही रहेगा, वो हार्ट अटैक में ही मर जाएंगे हम, कभी 10 मरे कभी 20 मरे कभी 30 मरे, इसलिए बोले ये वीडियो की जो शक्ति है संजय को दे दो, जब चाहेंगे बंद करेंगे जब चाहेंगे चालू करेंगे। तो बीच में जब धृतराष्ट्र को संजय सुनाते थे कि इतने पुत्र मारे गए आज युद्ध में, तो उस समय धृतराष्ट्र मूर्छित हो जाते थे, फिर संजय पानी यानी छिड़कते थे, महाभारत में लिखा है जलल छिड़कते थे, हवा करते थे, महाराज होश में आ गए, हाँ हाँ सुनाओ अब आगे सुनाओ, तो फिर सुनते थे, कैसे श्रोता कैसे वक्ता।
लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र अंधा माना नहीं, युद्ध रुकवाया नहीं। तो इस प्रकार जो क्षत्रिय का स्वभाव है वो हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कर्म करने का, तो जो स्वभाव है उसी स्वभाव से हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। अर्जुन का स्वभाव युद्ध का था तो युद्ध किया, यदि हमारा स्वभाव है ब्राह्मण का तो ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं साथ में स्कंद भागवत में कि स्वभाव आपत्तकालीन स्थिति में दूसरा कर्म करना चाहिए हमें, दूसरे वर्ण का। जब तक आपत्तकालीन स्थिति ना हो तब तक हमें अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अभी आपत्तकाल स्थिति है, क्या है कि वर्ण संकर नष्ट हो गया। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण में ब्राह्मण जैसे गुण हैं, ना क्षत्रिय में है, ना वैश्य, सब चारों वर्णों ही वर्ण संकर हो गए, मिलावट हो गई। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी आपत्तकालीन स्थिति है इसलिए हम ब्राह्मण बना रहे हैं, इसलिए हम, क्योंकि अभी वर्ण पता ही नहीं चल रहा, तो इसलिए कोई भी वर्ण का है उसको हम ब्राह्मण का संस्कार दे के ब्राह्मण की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है कि पहले ब्राह्मण जरूरी है। क्यों? ब्राह्मण है सिर, क्षत्रिय है ये बाहु, वैश्य कमर, पैर है शूद्र। तो यदि हाथ कट जाए तो भी शरीर चल जाएगा, पैर भी कट जाए तो भी काम चल जाएगा, कमर टूट जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन गला चलेगा या तो काम नहीं चलेगा, तो मर जाएंगे। तो इसलिए अभी इमरजेंसी है गला, गला जरूरी है, ब्राह्मण जरूरी है। तो ब्राह्मण मार्गदर्शन करेगा, यदि ब्राह्मण नहीं है तो क्षत्रिय और वैश्य शूद्र सब बेकार है किसी काम के, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षा देगा, शास्त्रों के बारे में बताएगा, मार्गदर्शन करेगा, तब वैसे क्षत्रिय वैश्य कर्म करेंगे तो फिर इस प्रकार से प्रगति होगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले सबसे पहले ब्राह्मण बनाने का संस्था में ये नियम दिया। तो ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण की आवश्यकता है, क्षत्रिय की उतनी नहीं है। प्रभुपाद लीला में तो लिखा है कि एक बार भगत सिंह आजाद मिलने आए शिल भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को कि आपके यहाँ बड़े जवान जवान छोकरे हैं, भेजो बॉर्डर पे थोड़ा लले, युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, हम सुने हैं आपकी संस्था में 20-20 साल के यूथ जुड़ते हैं, तो बढ़िया तगड़े तगड़े यूथ हैं जवान, तो ये बॉर्डर पे भेजो, वहाँ लड़ाई करेंगे, गोली चलाएंगे। तो शिल भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने कहा अरे उन पे कहाँ गोली चलेगी, कमजोर हैं वो, तो माला जपने वाले हैं, ऐसी ताकत आकत नहीं उनके अंदर। तो इसलिए वहाँ पे शिल भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी टाल दिए, क्योंकि वो जान रहे कि इमरजेंसी अभी क्या है, भक्त बनने की शिक्षा की जरूरत है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जगाई मघाई के प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु से कि ये जो अवतार है आपका वध करने के लिए नहीं, ये अवतार है कि हरि नाम से व्यक्ति का अंदर जो असुर है उस स्वभाव को बदलना। तो अभी जरूरत है शिक्षा कि लोगों को शिक्षा दी जाए और नाम जपवा जाए, तब स्वभाव बदलेगा, क्योंकि लड़ने से लोग मानेंगे नहीं, जितने ही मारोगे, क्योंकि बिना थोड़ा सा कठोर शब्द बोल दोगे उतने में लोगों को क्रोध आता, तो स्वभाव सुधारना पड़ेगा। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि भगवान बुद्ध आए अहिंसो परम धर्मा, कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो, पशु हत्या रोकने को आए, तो क्या पशु हत्या रुक गई? नहीं रुकी। तो क्यों? क्योंकि जब तक अंदर के स्वभाव को नहीं बदला जाएगा जब तक पशु हत्या रुकने वाली नहीं है। पशु हत्या कैसे रुकेगी? हरिनाम संकीर्तन। जब कीर्तन करेगा व्यक्ति, मांस छोड़ेगा, तब पशु कटना बंद हो जाएंगे। जब मांस ही नहीं खाएगा तो कौन मारेगा पशु को? भाई
यदि उसका ग्राहक है तो दुकानें हैं, ग्राहक ही नहीं मिलेगा तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो बड़ी मात्रा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, तो क्या इससे पशु हत्या रुक जाएगी? रुके या न रुके, लेकिन 10,000 वर्ष तक तो प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्मवेद पुराण में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे 10,000 वर्ष तक मेरे भक्त हर जगह उपलब्ध रहेंगे, तो इस्कॉन हर जगह दिखने को मिलेगा। अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि एक ही संस्था में सारी परंपराएं मिल जाएंगी, केवल एक परंपरा पूरा प्रचार करेगी विश्व में। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी एक पुस्तक में कि सारे जितने भी जो अलग अलग परंपराएं हो, सब एक परंपरा, एक संपदा में मिल जाएंगी, एक संपदा पूरे विश्व में प्रचार करेगी। तो वर्तमान में कौन दिख रहा? इस कौन ही है। तो सारे जो अंत जितने भी दूसरे दूसरे पंथ हैं, सब धीरे धीरे इसी में शरणागत हो जाएंगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी है, 10,000 वर्ष तक तो कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। तो अभी खूब ब्राह्मण गुण अर्जित करना चाहिए हमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी अंतिम प्रवचन में वर्णाश्रम के बारे में बोले हैं कि वर्णाश्रम स्थापित होना चाहिए, लेकिन एक प्रवचन में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में वर्णाश्रम स्थापना करना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो बोले हैं उसको करो, इसी से शुद्धि है। क्या? हरे नाम ही केवलम, भगवान का नाम लो, क्योंकि वर्ण स्थापना को स्थापित करना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि कलयुग में लोग पता ही नहीं चल रहा किस गुण से पैदा हो रहे। पहले जब बच्चे थोड़ा बड़े होते थे तो उनका एक वो मनाया जाता था कि कुछ गुण से बच्चा उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय गुण से कि शूद्र है कि वैश्य है, तो उसके सामने कुछ चीज़ें रखी जाती थी, एक तरफ भागवत, एक तरफ गेहूँ, एक तरफ छेनी हथौड़ा, एक तरफ तलवार अलवार, कि क्षत्रिय गुण वाला है कि लोहार गुण वाला है कि बनिया वाला है, उसी तरफ बच्चा दौड़ेगा, एक तरफ पैसा, किस में इसकी रुचि है। चैतन्य महाप्रभु के समय भी मनाए गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु भागवत की तरफ दौड़े थे, भागवत को पकड़े थे। लेकिन यदि आज भी कई लोग भक्त लोग मनाते हैं, हमारे इस्कॉन के भक्त आज भी कोई कोई मनाते हैं, पैसा भी रखते हैं, अलग अलग चीज रखते हैं, तो सब उठाता है बच्चा, पैसा भी उठाएगा, छेनी की तरफ भी बढ़ेगा, चॉकलेट भी उठाएगा, वो पता ही नहीं चलता कौन से उसमें है, मिलावट हो गई सब। तो अब वैसे आप चेक नहीं कर सकते कि किस गुण से, क्षत्रिय के गुण से है कि वैश्य के कि ब्राह्मण, वो सब सारा सामान उठाएगा। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन, नाम कीर्तन से ही हमारा स्वभाव या शुद्धि होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक श्लोक और थोड़ा तो ये वर्ण जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो पद्म पुराण में कहा गया इन चारों वर्णों से श्रेष्ठ है वैष्णव, भक्त चारों वर्णों से श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में कहा गया विष्णु अयम यतो ही आसी तस्मात वैष्णव उच्चते, कि जो विष्णु का भक्त है वह वैष्णव सबसे ऊपर है।
सर्वेशाम चैव वर्णानाम वैष्णव श्रेष्ठ उच्चते। कई बार झगड़ा होता है ब्राह्मण और वैष्णव में, ब्राह्मण बोलते हम श्रेष्ठ हैं वैष्णव, लेकिन इसका शास्त्रों में उत्तर मिलता है, जैसे पद्म पुराण में मिल रहा है कि सर्वेशाम चैव वर्णानाम वैष्णव श्रेष्ठ उच्चते, कि सारे वर्णों में श्रेष्ठ है वैष्णव। तेषाम पुण्यतमहार तेषाम वंशे तू वैष्णवा। प्रश्न उठेगा क्यों वैष्णव श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ गुण हैं, तो नाम दे रहे क्षमा दया तपह सत्यम तेषाम वे तिष्ठति, कि उसमें सब प्रकार के गुण संपन्न होते पूर्ण रूप से, तो इसलिए वैष्णव बनना जरूरी है। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो उपाधियाँ हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना हम विप्रो ना च नरपति ना पी वैश्यो ना हम वर्णी ना च गर्भपति न तेरिवा वनस्तो, किंतु पुर्दन अखिल पूर्णामृत अब्ध गोपीर भर्तु पद कमलेश दास अनु दास दास, कि दासों का दासों का दासों का दास। तो वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है वैष्णव भगवान का भक्त बनना, जैसे अर्जुन भक्ति का काम किया क्या, भगवान की बात माना, तो वैष्णव का अर्थ है जो भगवान की बात मानते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो, तो इस प्रकार ये सबसे श्रेष्ठ है, ये उपाधि मुक्त है भगवान की सेवा करना, सर्व उपाधि उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त होकर। तो यही हम विराम देते हैं, समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं।